हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है रियलमी नार्जो 30A। आज इस वीडियो में इस फोन में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास ए फोन है या आप ए फोन बाय करने के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहला जो फीचर्स है, नोटिफिकेशन बार में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐसा है जो क्लियर ऑल करने के बाद दोस्तों गायब नहीं होता है, तो वो गायब करने के लिए दोस्तों यहां से टैप करके इस साइड से स्वाइप कीजिए। यहां पे दोस्तों घड़ी का सिंबल दिखाई देगा। यहां पे आने के बाद दोस्तों आप टाइमर लगा पाओगे कि कितना टाइम के लिए उस नोटिफिकेशन को आप गायब करना चाहते हो, 1 घंटा, 15 मिनट, 30 मिनट या 2 घंटा, आपके हिसाब से आप सेट करना और वो नोटिफिकेशन गायब हो जाएगा। नोटिफिकेशन पैनल में जाने के बाद दोस्तों यहां पे बहुत सारे शॉर्टकट है, लेकिन दोस्तों ऐसा भी बहुत सारे शॉर्टकट है जो हाइट सिचुएशन में रहता है। यहां पे पेंसिल आइकन में क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे की तरफ वो सारे शॉर्टकट आ जाएगा। आपको जो शॉर्टकट पसंद है दोस्तों टैप करके ऊपर की तरफ लेकर आ जाइए और ये हमेशा के लिए दोस्तों ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये सारे शॉर्टकट में से दोस्तों फोकस मोड एक बहुत अच्छा फीचर है। इसके अंदर जाने के बाद दोस्तों अगर मैं फोकस मोड को स्टार्ट करता हूं, तब दोस्तों जब तक फोकस मोड इनेबल रहेगा तब तक आप फोन को यूज नहीं कर पाओगे। जब तक यहाँ पे एग्जिट बटन को आप नहीं दबाते हो तब तक दोस्तों इस फोन को आप यूज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देख लीजिए, मैं टैप कर रहा हूँ और कट नहीं हो रहा है, तो एग्जिट करने के बाद ही दोस्तों फोकस मोड को आप डिसेबल कर पाओगे। म्यूट नोटिफिकेशन, म्यूट नोटिफिकेशन, यहां पे आने के बाद दोस्तों अगर आप म्यूट नोटिफिकेशन करते हो तो आपके फोन में दोस्तों कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक आप म्यूट नोटिफिकेशन को इनेबल करके रखोगे, तो आपके हिसाब से इसको भी आप इनेबल कर पाओगे। रिसेंट मेन्यू में जाने के बाद दोस्तों यहां पे ऐप के ऊपर 2 डॉट दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप करोगे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आएगा। बेसिकली दोस्तों एक साथ आप 2 ऐप को यूज कर पाओगे। ऊपर की तरफ दोस्तों क्रोम है और नीचे की तरफ देखोगे दोस्तों यहाँ पे प्ले स्टोर है। आप एक साथ 2 ऐप को बहुत आसानी से यूज कर पाओगे। होम स्क्रीन में अगर आप ऊपर से स्वाइप करते हो ग्लोबल सर्च खुल के आता है। दोस्तों यहाँ पे आके आप कुछ भी सर्च कर पाओगे, ऐप के बारे में, मैसेजेस के बारे में, कुछ भी दोस्तों सर्च करना और दोस्तों वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और ये जो ग्लोबल सर्च है आपके हिसाब से आप चेंज भी कर पाओगे। उसके लिए दोस्तों सेटिंग में जाना पड़ेगा। नीचे की तरफ चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉयर कर दीजिए। अभी दोस्तों देख लीजिए ग्लोबल सर्च नहीं आएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉयर ही आएगा। होम स्क्रीन सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों और भी बहुत सारे फीचर्स मिलता है। दोस्तों यहाँ पे ड्रॉयर मोड देखने को मिलता है और स्टैंडर्ड मोड है। ये जो मोड है ये ड्रॉयर मोड है और ये जो मोड है ये स्टैंडर्ड मोड है। अगर आपको दोस्तों ड्रॉयर मोड पसंद है तो रहने दीजिए दोस्तों, अगर आपको स्टैंडर्ड मोड पसंद है तो यहाँ पे आके दोस्तों इस स्टैंडर्ड मोड को स्विच कर देना। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो ड्रॉयर मोड है ये गायब हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए गायब हो गया है और सारे के सारे दोस्तों ऐप यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड में आ गया है। यहाँ पे डबल टैप टू लॉक स्क्रीन दिखाई देगा, मतलब दोस्तों यहाँ पे होम स्क्रीन में आके डबल टैप करोगे तो स्क्रीन का जो लाइट है वो दोस्तों ऑफ हो जाएगा। चलिए दोस्तों सेटिंग में भर के फीचर्स देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों वाईफाई में चलिए, वाईफाई असिस्टेंट में चलिए। यहाँ पे दिखाई देगा ऑटो सिलेक्ट द बेस्ट वाईफाई, मतलब दोस्तों मान लो दोस्तों आपके मोबाइल के आसपास बहुत सारे वाईफाई है और सारे वाईफाई का पासवर्ड आपके साथ कनेक्ट है, फोन के साथ कनेक्ट है, तो दोस्तों जिसका स्पीड ज्यादा है उसके साथ दोस्तों ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अदर्स वायरलेस कनेक्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके फोन का जो स्क्रीन है वो किसी भी थर्ड पार्टी कंप्यूटर में कास्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके इस स्क्रीन कास्ट को इनेबल कर पाओगे। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन ड्रॉयर। अगर आप लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन ड्रॉयर दिखाना चाहते हो तो इसको ऑन करना। अगर दोस्तों इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, अभी दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, दोस्तों लॉक स्क्रीन में दोस्तों नोटिफिकेशन ड्रॉयर नहीं आएगा इसको डिसेबल करने के बाद। डिस्प्ले डाटा यूज इन नोटिफिकेशन ड्रॉयर, आप दिन में कितने डाटा यूज किए हो वो दोस्तों आपको यहां पे दिखाई देगा। अभी दोस्तों न्यू फोन ओपन किया हूं इसलिए दोस्तों यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप जब दोस्तों डाटा यूज करोगे तब दोस्तों यहां पे दिखाई देगा। यहां पे जो टाइम दिखा रहा है आपके हिसाब से इस टाइम को आप मैनेज कर पाओगे। यहां पे दोस्तों टाइम में जाने के बाद दोस्तों अगर आप 100 आवर्स, मिनट एंड सेकंड करते हो तो दोस्तों आवर्स, मिनट एंड सेकंड दिखाई देगा। अगर दोस्तों यहां पे मैं डोंट शो करता हूं तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। दोस्तों यहां पे 100 बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार, जब आप दोस्तों फोन खरीदते हो यहां पे बैटरी का परसेंटेज दिखाई नहीं देता है, तो यहां पे आके दोस्तों इनसाइड या आउटसाइड कर लेना। दोस्तों यहां पे आपको दिखाई देगा कि कितना परसेंट बैटरी है। रियल टाइम नेटवर्क स्पीड बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है तो इसको इनेबल कर देना। आपके फोन में कितना स्पीड दे रहा है दोस्तों यहां पे अपडेट दिखाई देगा। दोस्तों यहां पे जो नोटिफिकेशन का सिंबल दिखाई दे रहा है इसको आप आपके हिसाब से चेंज भी कर पाओगे, नंबर में भी बदल सकते हो कि कितना नोटिफिकेशन आया है। यहां पे आने के बाद दोस्तों
नोटिफिकेशन काउंट कर देना और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक नोटिफिकेशन आया है। और डोंट सो भी दोस्तों यहाँ पे आके बहुत आसानी से कर पाओगे। वाइक स्क्रीन होइन आर नोटिफिकेशन इच रिसीव, मतलब दोस्तों लॉक स्क्रीन में किसी भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो दोस्तों इसको इनेबल करने के बाद स्क्रीन का लाइट दोस्तों ऑटोमेटिकली वाइक कप हो जाएगा। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आने के बाद दोस्तों डार्क मोड दिखाई देगा, आपके हिसाब से इसको इनेबल कर देना, आपके जो फोन का थीम है वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। और आपके हिसाब से आप शेड्यूल भी लगा पाओगे कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको चाहिए, और सनसेट टू सनराइज भी कर सकते हो, बहुत अच्छा फीचर्स है। आई कंफर्ट नाइट मोड जैसा ही है, इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों फोन का जो डिस्प्ले का कलर है वो चेंज हो जाएगा, और इसको मैं ज्यादातर रातों में यूज करता हूँ। और यहाँ पे भी दोस्तों आप शेड्यूल भी कर पाओगे, अगर इस ऑप्शन को रातों में यूज करते हो ये जो आई कंफर्ट है तो आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा। बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये जो लेटर है ये बहुत बड़ा बड़ा चाहिए, बाय डिफॉल्ट दोस्तों ये छोटा रहता है, मैं टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो बना रहा हूँ इसलिए दोस्तों बड़ा बड़ा रखा हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो फ्रंट साइज है आपके हिसाब से आप डिफॉल्ट या वेरी लार्ज कर पाओगे और दोस्तों यहां पे आ जाएगा। तो दोस्तों मैं अभी टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूं इसलिए दोस्तों यहां पे लार्ज रखा हूं। डू नॉट डिस्टर्ब में जाने के बाद दोस्तों यहां पे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएगा। दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब ऐसा फीचर्स है, इसको अगर इनेबल करते हो तो दोस्तों कोई भी मैसेजेस वगैरह या कुछ भी दोस्तों नहीं आएगा, कॉल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, और यहां पे आके शेड्यूल भी कर पाओगे और यहां पे आके परमिशन भी दे पाओगे कि कितने कितने नोटिफिकेशन के लिए आपको डू नॉट डिस्टर्ब अलाउ नहीं करना है, तो यहां पे आके परमिशन दे सकते हो। डू नॉट डिस्टर्ब में एक अच्छा फीचर्स ये है, यहां पे नीचे की तरफ रिंग फॉर रिपीटेटेड कॉल, मतलब दोस्तों अगर किसी भी बंदा लगातार 3 टाइम से ज्यादा कॉल करता है ऑटोमेटिकली दोस्तों उस बंदे के लिए डू नॉट डिस्टर्ब हट जाएगा और रिंग बजना शुरू हो जाएगा। जब आप न्यू फोन खरीदते हो फेस अनलॉक से फोन को ओपन तो करते हो और ओपन हो जाता है, लेकिन दोस्तों आपको स्वाइप करना पड़ता है। यहां पे फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक में आने के बाद दोस्तों फेस अनलॉक में चलिए, पासवर्ड डालिए दोस्तों, उसके बाद यहां पे दोस्तों ऑटो अनलॉक कर दीजिए। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं दोस्तों ऑटो अनलॉक होगा। कन्वीनियंट टूल्स में चलिए दोस्तों, यहाँ पे नेविगेशन बटन दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों जेस्चर्स भी मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर स्वाइप करोगे तो बैक होगा, इस साइड से स्वाइप करोगे तो भी बैक होगा दोस्तों, इस साइड से स्वाइप करोगे तो होम स्क्रीन में आ जाओगे, स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे तो दोस्तों यहाँ पे मेनू में आ जाओगे रिसेंट मेनू में। असिस्टिव बल्ब में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस ऑप्शन को इनेबल कर देना, यहाँ पे दोस्तों एक बल्ब जैसा खुल के आएगा, यहाँ पे टैप करोगे तो बैक हो जाएगा, डबल टैप करोगे तो मल्टीटास्किंग में आ जाओगे, टच करके होल्ड करके रखोगे तो दोस्तों यहाँ पे होम स्क्रीन में आ जाओगे। तो आपके हिसाब से दोस्तों इसको आप मैनेज भी कर पाओगे, अगर आप यहां पे टैप मेनू करते हो तो दोस्तों यहां पे टैप करने के बाद दोस्तों मेनू खुल के आ जाएगा, यहां पे एरो, स्क्रीन शॉट, यहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बहुत कुछ है, और आपके हिसाब से ये जो शॉर्टकट है आप चेंज भी कर पाओगे। क्विक रिटर्न बबल, बेसिकली दोस्तों इसको इनेबल कर देना, जब आप पबजी वगैरह या किसी भी गेम वगैरह खेल रहे हो तब दोस्तों इसको इनेबल करके रखना, किसी भी मैसेजेस वगैरह आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैसेजेस रिप्लाई देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गेम से बाहर आके रिप्लाई जब करोगे तब दोस्तों एक पॉपअप जैसा यहाँ पे जो बबल्स है, इस बबल्स जैसा किसी भी गेम वगैरह खुल के आएगा जब आप गेम खेलोगे, तो काफी अच्छा फीचर्स है। स्मार्ट स्लाइड बार, बेसिकली दोस्तों ये ऑफ रहता है, यहाँ पे आके इनेबल करना पड़ता है, अभी दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं, यहाँ पे एक स्मार्ट स्लाइड बार खुल के आ गया है, यहाँ पे स्क्रीन शॉट है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट है, फाइल मैनेजर वगैरह, यहाँ पे टैप करोगे तो फ्लोटिंग विंडो जैसा खुल के आएगा दोस्तों, अगर यहाँ से टैप करोगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा, अगर यहाँ पे टैप करोगे तो बबल जैसा खुल के आ जाएगा दोस्तों, यहां पे देख लीजिए बबल जैसा खुल के आ गया है, मैसेंजर जैसा, अगर इसको अनबबल करना चाहते हो तो दोस्तों यहां पे टैप कर दीजिए, फिर से दोस्तों वो गायब हो जाएगा। और यहां पे आने के बाद दोस्तों एडिट में क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऐप वगैरह मिल जाएगा, आपके हिसाब से दोस्तों प्लस में क्लिक करने के बाद बहुत आसानी से ऐड कर पाओगे। मोशन एंड जेस्चर्स में आने के बाद दोस्तों यहां पे स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना दोस्तों। डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, दोस्तों डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन दिखाया था, अभी दोस्तों लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे तो स्क्रीन का जो लाइट वो ओपन हो जाएगा दोस्तों, मतलब वाइक अप हो जाएगा। लॉक स्क्रीन में दोस्तों अगर आप ओ लिखोगे तो दोस्तों कैमरा ओपन हो जाएगा, तो बहुत अच्छा-अच्छा फीचर्स दिया है, आपके हिसाब से दोस्तों ये सारे फीचर्स को आप बहुत आसानी से इनेबल कर पाओगे। वी लिखोगे तो फ्लैश लाइट हो जाएगा, म्यूजिक कंट्रोल कर पाओगे और यहां पे आके एट जेस्चर्स भी कर पाओगे आपके हिसाब से। डिजिटल वेलबीइंग में जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको दिखाई देगा शो योर डाटा, यहां पे क्लिक करना, डैशबोर्ड में जाना दोस्तों, और यहां पे दोस्तों बहुत सारे ऐप दिखाई देगा दोस्तों। आप मान लो एक ऐप को आप दिन में बहुत ज्यादा यूज करते हो, जैसे कि पबजी
पबजी। दोस्तों इसको अगर मैं यहाँ पे ऐप टाइमर में आके दोस्तों अगर 1.5 घंटा सिलेक्ट करता हूँ तो दिन में दोस्तों मैं सिर्फ 1.5 घंटा ही पबजी खेल पाऊंगा, उससे ज़्यादा दोस्तों मैं यहाँ पे खेल नहीं पाऊंगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आके फिर से दोस्तों आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा या डिलेट टाइम करना पड़ेगा, उसके बाद आप खेल पाओगे। तो अगर आप किसी भी ऐप ज़्यादा यूज़ करते हो इस तरीके से दोस्तों टाइमर लगा सकते हो। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन शॉट दिखाई देगा, यहाँ पे आप 3 फिंगर से स्क्रीन शॉट ले पाओगे। यहाँ पे ट्यूटोरियल वगैरह दिखा रहा है दोस्तों। 3 फिंगर से स्क्रीन शॉट लेने के बाद दोस्तों ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो शेयर कर पाओगे, नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो लॉन्ग स्क्रीन शॉट ले पाओगे आपके हिसाब से दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 3 फिंगर को टैप करके रखने के बाद दोस्तों एक स्मॉल स्क्रीन शॉट खुल के आएगा। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आपके हिसाब से दोस्तों ये सारे स्मॉल स्क्रीन शॉट भी आप ले पाओगे। बहुत सारे भाई लोग कहता है कि रियलमी के फोन में OTG कनेक्शन सपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे आके इनेबल करना पड़ता है, तब जाके दोस्तों ये जो OTG कनेक्शन है ये सपोर्ट लेता है। यहाँ पे दोस्तों ऐप क्लोनर दिया है, बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आके एक ऐप को आप 2 ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। यहाँ पे ऐप क्लोन कर देना, अभी दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक अमेजन, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे दोस्तों और एक अमेजन है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक अमेजन है, तो 2 अमेजन खुल के आ गया है। एक साथ आप एक ऐप को 2 ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। स्प्लिट स्क्रीन मैं आपको पहले ही बता दिया था। चलिए दोस्तों कैमरा में, और कैमरा में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे 3 डॉट में आने के बाद सेटिंग में आओगे, नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे वाटर मार्क दिखाई देगा दोस्तों, इसको इनेबल कर देना। ये जो वाटर मार्क है क्या है ये दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक दोस्तों वाटर मार्क आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शॉट ऑन रियलमी नार्जो 30A, और ये जो है दोस्तों ये वाटर मार्क है। आपके हिसाब से दोस्तों ये सारे वाटर मार्क को आप इनेबल कर पाओगे। इस फोन में आप ऐप लॉक या दोस्तों फोटो बैकग्राउंड भी आप हाइड कर पाओगे। उसके लिए दोस्तों फिर से सेटिंग में जाना पड़ेगा, प्राइवेसी में चलिए दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखाई देगा दोस्तों ऐप लॉक, यहाँ पे आके कुछ भी ऐप वगैरह आप लॉक कर पाओगे। प्राइवेट सेफ मतलब दोस्तों यहाँ पे आके कुछ भी पिक्चर वगैरह या वीडियो वगैरह आप हाइड कर पाओगे, कोई भी कुछ भी दोस्तों आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा। प्राइवेसी में फाइंड माई डिवाइस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाने के बाद आपके फोन में जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को देकर यहाँ पे साइन इन करके रख देना। मान लो दोस्तों आपके फोन गुम हो जाता है, तो दोस्तों इस वेबसाइट में जाने के बाद उस ईमेल आईडी के जरिए आपके फोन को बहुत आसानी से ढूंढ पाओगे। होम स्क्रीन में अगर आप किसी भी ऐप के ऊपर टैप करके रखते हो, तो दोस्तों मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर टैप करके रखा हूँ। दोस्तों आप यूट्यूब के अंदर ना जाके डायरेक्टली ऐसे शॉर्टकट में जा पाओगे, सर्च, सब्सक्रिप्शन या ट्रेंडिंग। और दोस्तों ये था रियलमी नार्जो 30A का टॉप 50+ हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।